हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक रजौरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली इस लेक्चर में मैं आप लोगों को 10 लॉज बताऊंगा जो कि एक्सपोनेंट्स पर हैं, और यकीन मानिए कि इन 10 लॉज को आप सीख लेने के बाद में आप एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और आते हैं सीधे हम लोग फर्स्ट लॉ की तरफ। तो एक्सपोनेंट का जो फर्स्ट लॉ है वो है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। मतलब कभी भी जब दो नंबर्स हो और उन दोनों नंबर्स का बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो, जब दो नंबर्स हो दोनों का बेस सेम होता है और दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, बेस वही रखते हैं और दोनों पावर्स को हम लोग प्लस कर देते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग ए की पावर एम प्लस एन। इसको एक एग्जांपल से अगर हम लोग देखें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने कंसिडर किया। यहाँ पर मैंने लिखा 1/2 और इसकी पावर है 5। फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया किससे, 1/2, इसकी पावर है 7। ठीक है, तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि दोनों ही नंबर्स के बेसिस कैसे हैं, सेम है। 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। ठीक है, तो जब इन दोनों नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग बेस तो वही रखेंगे, मतलब 1/2, और जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जानी है। ठीक है, तो फिर लिख सकते हैं हम लोग 5 + 7। ठीक है, फर्दर इसको लिख सकते हैं 1/2, और 5 और 7 प्लस कर दिया हम लोगों ने तो कितना हो गया, 12, और ये हम लोगों का उस केस में आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लॉ। अब आते हैं हम लोग सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ में हम लोगों को बोला जाता है कि अगर ए की पावर एम को हम लोग डिवाइड करें ए की पावर एन से, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो नंबर्स हैं और दोनों ही नंबर्स के बेसिस सेम हैं। ठीक है, और पावर्स डिफरेंट हैं, उसके इसमें जब हम लोग एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं और दोनों के बेसिस सेम हों तो हम लोग वही नंबर मैंशन करते हैं, और जिसको कि डिवाइड किया गया उस पावर में से, जिससे डिवाइड किया गया उस पावर को हम लोग माइनस कर देते हैं। मतलब तब लिख सकते हैं ए की पावर एम माइनस एन। करेक्ट है, एक एग्जाम्पल से है इसको। सपोज करिए 3/4 और यहां पे हम लोगों ने पावर लिख दी 7, और इसको डिवाइड किया जाता है 3/4 और इसकी पावर है 2। ठीक है, तब इसको लिख सकते हैं, देखो क्या नोटिस कर रहे हैं, दोनों जगह पर बेसिस सेम है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है ये नंबर इस नंबर को, पावर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है। तब हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे, बेस वही रखेंगे, मतलब 3/4 लिखेंगे, और पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ये वाली इस पावर में से, तो 7 - 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3/4, और 7 में से 2 माइनस किया तो कितना है, 5, और ये हम लोगों का आंसर आ जाता है। करेक्ट, अब आते हैं हम लोग थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ हम लोगों का कहता है कि ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इक्वल टू, मतलब अब हम लोगों के पास में दो नंबर्स हैं और दोनों ही नंबर्स के हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि बेसिस डिफरेंट है। ठीक है, दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स के बेसिस डिफरेंट हैं, लेकिन हम लोग क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि दोनों की पावर्स सेम है और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तब ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंट बेसिस हैं उन दोनों को तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स ए इंटू बी हम लोगों ने लिखा, और जो पावर जो दोनों केस में सेम थी ना उस पावर को हम लोग होल पावर लगा देते हैं। करेक्ट है, एक एग्जाम्पल से इसको देखें। सपोज करिए यहाँ पे एक नंबर है 3/4 और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 5/4 से, तो क्या नोटिस किया हम लोगों ने, यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं दोनों के बेसिस तो डिफरेंट हैं लेकिन दोनों की पावर्स कैसी हैं, सेम, और दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों बेसिस हैं यानी कि 3 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और पावर एज इट इज़ लगा दी जाएगी। तब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 15 और ये पावर बन जाती है 4, और ये इस केस में आंसर हो जाता है। ठीक है, फोर्थ लॉ की तरफ हम लोग आए। तो फोर्थ लॉ में हम लोगों को बोला जाता है ए की पावर एम डिवाइडेड बाई बी की पावर एम। मतलब क्या नोटिस किया हम लोगों ने, यहाँ पर देखा दो नंबर्स हैं डिफरेंट बेसिस के साथ में लेकिन दोनों की पावर्स कैसी हैं, सेम हैं। ठीक है, जब दो नंबर्स हों डिफरेंट बेसिस में हों और एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है जबकि दोनों की पावर्स सेम हों, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों बेसिस हैं यानी कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इस बेस से, तब इसको लिखा जा सकता है ए अपॉन बी और इसकी होल पावर जगह पे एम है ना, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे एम। करेक्ट, एक एग्जांपल देखें हम लोग 4/9। अब इसको डिवाइड किया जाता है किससे, हम लोग यहां पे लिख दें
थ्री की पावर नाइन से, ठीक है। तो फोर की पावर नाइन को डिवाइड कर रहे हैं किससे, थ्री की पावर नाइन से। डिफरेंट बेसिस है बट पावर सेम है, तब इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, फोर अपॉन थ्री, मीन्स इस बेस को डिवाइड किया जाएगा किससे, इस बेस यानी कि थ्री से, तो फोर अपॉन थ्री, और दोनों जगह पर पावर क्या है नाइन, तो हम लोग यहाँ पर पावर लगा देंगे नाइन, ठीक है। तो ये हम लोगों का फोर्थ लॉ। अब फिफ्थ लॉ की तरफ अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर एक नंबर है जिसकी पावर है m, तो a और a की पावर है m, और इसके ऊपर पावर लगा दी जाती है n, मतलब पावर्स के ऊपर अगर पावर्स हों, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो बेस है बेस वही रखते हैं, और क्योंकि पावर्स के ऊपर पावर्स हैं तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको लिख सकते हैं एम एन, यानी कि ए की पावर एम एन, एम एन का मतलब m और n का मल्टीप्लाई। एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग देखें, सपोज करिए थ्री की पावर फाइव है और इसकी होल पावर हम लोग फोर लगाते हैं, तब देखो थ्री की पावर फाइव है ना, और फिर अगेन हम लोगों ने पावर लगाई है कितनी, फोर, तो ऐसे केस में क्या होगा, बेस तो वही रहेगा, क्या था बेस, थ्री है ना, तो थ्री हम लोगों ने लिखा यहाँ पर, और पावर्स क्या है फाइव और फोर, ठीक है। तो अब ये पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई मीन्स फाइव इंटू फोर, तब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, फोर और फाइव का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ट्वेंटी, और ये आ जाता है तब हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिक्स लॉ पर, ये क्या है, ए की पावर ज़ीरो, यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो तो हम लोग उसको लिख सकते हैं वन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नंबर है फाइव और इसकी पावर ज़ीरो लिखा है कहीं भी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग वन, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, अगर एक्स है, एक्स की पावर ज़ीरो है, तब भी हम लोग क्या लिखेंगे इसके प्लेस पर, वन लिखेंगे, ठीक है। सेवन्थ लॉ की तरफ आएँ, अगर ए की पावर माइनस वन है, ए की पावर माइनस वन, मतलब ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है और उसकी पावर माइनस वन है, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं वन अपॉन ए, ठीक है। एक एग्जांपल देखें इसका, यहाँ पे लिखा फाइव की पावर माइनस वन, तो फाइव की पावर माइनस वन है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन फाइव। सिमिलरली अगर एक्स की पावर माइनस वन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसके ऊपर पावर माइनस वन है तो हम लोग उसको जस्ट पलट देंगे और क्या, पावर हम लोगों की पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसी रूल पर बेस्ड एक रूल और हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, सपोज करिए कभी इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, ए अपॉन बी की होल पावर माइनस एन, ठीक है। अब अगर हम लोगों को ये, हम लोगों को या तो पावर का साइन चेंज करने की ज़रूरत है या फिर बेस चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तब ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन है तो हम लोग सिर्फ बेस को चेंज करके, बेस चेंज करने का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी कि इसको बस बेस को पलटते हैं हम लोग, तब इसको लिख सकते हैं हम लोग बी अपॉन ए की होल पावर एन, मतलब ये पावर का साइन अगर कभी हमें चेंज करने की ज़रूरत है तो क्या करिए, बेस को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, उल्टा कर देंगे, पलट देंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल देखें, सपोज करिए थ्री अपॉन फोर और इसकी पावर है माइनस का सेवन, ठीक है, और हमें ज़रूरत है पॉजिटिव पावर की, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बेस को चेंज कर देंगे, मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी कि तब लिख सकते हैं फोर अपॉन थ्री, और तब पावर नेगेटिव थी ना, अभी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है, राइट। अब एक्सपोनेंट का जो नाइन्थ लॉ है वो कहता है कि अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है और इस नंबर के ऊपर पावर अगर ऑड लगी है, ऑड यानी कि कोई भी हो सकता है, वन हो, थ्री हो, फाइव हो, जो कि ऐसा नंबर जो कि टू से डिवाइड ना हो, ठीक है, तो एक नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर पावर ऑड होती है तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे हम लोग कहें कि माइनस फाइव, माइनस फाइव की पावर थ्री, इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि माइनस फाइव एक नेगेटिव नंबर है, थ्री एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, मीन्स फाइनली ये जब कैलकुलेट किया जाएगा तो जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, और इसको तब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं माइनस का 125, क्योंकि फाइव की पावर थ्री का मतलब 125, ठीक है। अब टेंथ लॉ की तरफ हम लोग आए तो टेंथ लॉ कहता है कि अगर एक नेगेटिव नंबर है और उसके ऊपर पावर अगर इवन है, इवन नंबर कहने का मतलब जो कि टू से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में जो हम लोगों का रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, करेक्ट। अब यही एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, देखो माइनस का फाइव है और यहाँ पे अगर हम लोग कर दें टू,
अब हम लोग यहाँ पर देखें तो एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, तो जब एक नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो रिजल्ट आता है पॉजिटिव। और क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है 5 और पावर है 2, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब 25, और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड सारे के सारे लॉज समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक्सपोनेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स पर अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन या एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।